आखिर मियां खलीफा ने मर्दों के बारे में ऐसा क्या कहा है कि सभी लोग उनसे गुस्सा हैं? और एक ऐसा देश जहां आज तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्यों? जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। और क्या हुआ जब एक लाइव शो के दौरान एक पति ने अपने पत्नी का सिर आरी से काट दिया, देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्या हुआ जब एक लड़की ने तेंदुए के बच्चे को बिल्ली का बच्चा समझ कर पाला, कहानी आपको भी हैरान कर देगी। और मानव शरीर के बारे में एक ऐसी बात जो 99% लोगों को नहीं पता, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 12, मियां खलीफा ने आदमियों के बारे में कुछ ऐसा कहा कि आज सभी लोग उनसे गुस्सा है। फेमस पोर्न स्टार मियां खलीफा ने कहा है कि मैन यानी पुरुष इस दुनिया की सबसे आसान चीज है जिसे पाना सबसे आसान है, और आदमी बहुत चीप होते हैं, यानी कि उनके हिसाब से आदमी एक सामान है जिसे कोई भी औरत आसानी से पा सकती है। अब आप ही बताइए कि ये सब बोलने पर इसकी लंका लगनी चाहिए कि नहीं। इसलिए कई लोग मियां खलीफा को दबाकर ट्रोल कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत ट्रोल करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है। फैक्ट नंबर 11, कल्पना कीजिए कि आप पूरे महीने मेहनत से काम करें और जी तोड़ मेहनत के बदले आपको महीने का सिर्फ 1200 रुपए सैलरी मिले, तो क्या आप अपने पूरे परिवार का सिर्फ एक हफ्ते पेट भी भर पाएंगे? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन बुरुंडी, जिसे दुनिया का सबसे गरीब और दुखी देश माना जाता है, यहां रात दिन काम करने के बाद भी एक इंसान सिर्फ 1200 रुपए महीना कमा पाता है। ये देश इतना गरीब है कि यहां हर 3 में से 1 इंसान बेरोजगार है, और यहां रहने वाले इंसान अपना खुद का घर या नया कपड़ा खरीदने की तो छोड़ो, बल्कि रोज 2 वक्त के खाने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। यहां का ज्यादातर परिवार जीने के लिए खेती पर निर्भर है, और साल 2023 आने के बावजूद यहां 1.26 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 12 लाख लोगों के पास बिजली मौजूद है। इनकी हालत देखकर मैं बहुत खुश हूं कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूं। बात सही लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, आपने बिजली के खंभे पर, पेड़ों पर और यहां तक कि छतों पर पक्षियों के घोंसले जरूर देखे होंगे, लेकिन जरा ये देखिए ये क्या है? यहां तो घोंसला एक भैंस के सिर पर है। देखिए, ऑक्स पैकर नाम के कुछ पक्षी भैंसों के सिर पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सिर पर घोंसला बनाना ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं। अब ये घोंसला इस भैंस के सिर पर कैसे आया, इस बात का पता लगाने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन टीम बैठानी पड़ेगी। 3 ऐसे पुलिस केस जिनके बारे में जानकर आपकी हंसी रोकने से नहीं रुकेगी, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। नंबर 1, साल 2019 में 147 साल के इंसान ने बम दिखाकर 2 बैंकों को लूट लिया, और जब बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उस आदमी ने जिस बम से 2-2 बैंक लूटे, असल में वो बम थे नहीं बल्कि एक काले रंग का किया हुआ नाशपाती यानी एवोकाडो था। यह जानने के बाद तो बैंक वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। नंबर 2, 2008 में एक व्यक्ति ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर एक बहुत लग्जरी कार खरीदी और फिर उस कार को 4 साल तक शिकागो के एयरपोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, और इन 4 सालों में उसकी गर्लफ्रेंड पर 80 लाख रुपए का फाइन लग गया। मतलब उस भाई ने तो बदला लेने की बिल्कुल बढ़िया वाली निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 8, प्रकृति ने चींटियों के साथ ऐसा गंदा मजाक किया जिसके बारे में जानकर आपको भी दुख होगा। पहले तो ये कि चींटियों के पास आंख नहीं होती जिससे वो इस सुंदर दुनिया को भी नहीं देख सकती, और दूसरा ये कि चींटी जहां भी जाती है अपने पीछे फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ते हुए जाती है ताकि वापस आते वक्त भटके ना। लेकिन कई बार चींटियों के फेरोमोन्स काम नहीं करते और ये चींटियां इस तरह गोल गोल घूमकर एक लूप में फंस जाती है, और ऐसे ही घूमते घूमते थकावट और भूख से अपने ही बनाए गोले में फंस कर जान दे देती है। फैक्ट नंबर 7, 2003 में हुआ ये मैजिक एक्ट बहुत डरावना और खतरनाक था जिसमें जादूगर की पत्नी का सिर एक छोटी सी गलती से सच में धड़ से अलग हो गया। इस जादू को करते समय एक बॉक्स में 2 लोगों को बैठाया जाता है, लेकिन बाहर से देखने पर लगता है कि बॉक्स में एक ही औरत लेटी है। जब बॉक्स को बीच से काटा जाता है तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब आरी से सिर को काटने की बारी आती है तो उसकी पत्नी डमी फेस अपने फेस की जगह नहीं ला पाती और वहीं फंस जाती है, और लाइव शो के दौरान ही जादूगर अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। गला कटने से पहले वो बहुत तड़पती भी है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और उसके पति के हाथों से ही उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, इंसानी शरीर के वो अंग जो भविष्य में बिल्कुल गायब हो जाएंगे क्योंकि हम उन अंगों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। नंबर 1, इंसानी शरीर के बाल। भविष्य में इंसान के शरीर के ऊपर से बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बाल हमें सर्दी से बचाने के लिए थे, लेकिन अब हम गर्म कपड़ों से अपने आप को सर्दियों से बचा लेते हैं। नंबर 2, मर्दों के निप्पल। मर्दों के निप्पल न पहले किसी इस्तेमाल के थे और न ही अभी किसी इस्तेमाल के हैं, इसलिए कई वैज्ञानिकों के बीच मतभेद बना रहता है कि भविष्य में गायब होंगे या नहीं। नंबर 3, विजडम टीथ। हमारे जबड़े में सबसे साइड वाले दांतों को विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ पहले रफ फूड को चबाने में काम आता था, लेकिन अब कई बच्चे बिना विजडम टीथ के जन्म ले रहे हैं और भविष्य में ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में बेची गई कुछ ऐसी चीज जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, 2006 में विलियम शेंटनर नाम के एक कैनेडियन एक्टर ने ईबे पर अपने शरीर से निकले किडनी स्टोन्स को $25,000 यानी कि 20 लाख रुपए में ऑक्शन में बेचा था। नंबर 2, ये जो आप सामने टेप से चिपका एक केला देख रहे हो, असल में ये एक यूनिक आर्ट वर्क है जो 1 करोड़ रुपए में बिका था, और इसे खरीदने वाले कपल का नाम बिली एंड बीट्राइक कॉक्स है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि कभी भी पिंपल को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? दरअसल पिंपल को फोड़ने पर बाहर से बहुत सारी इंप्योरिटीज और बैक्टीरिया हमारी स्किन में घुस जाते हैं, जिससे पिंपल फोड़ने वाली जगह पर डार्क स्पॉट आ जाता है जो आपके चेहरे की ब्यूटी को खराब कर देता है। इससे अच्छा ये है कि इंतजार करें क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स 3 से 7 दिन में खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आज तक एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है? यही वजह है कि इस देश में जनसंख्या बढ़ने की जगह हर साल घट रही है। उस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जो सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ऑफिशियली सबसे छोटा देश है। इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 825 है और सभी लोग चर्च के फादर है जो धार्मिक कारणों से शादी नहीं करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर यहां एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ये 825 आदमी कहां से आए? दरअसल ये सभी लोग दूसरे देशों से आए हुए हैं। इस देश की नागरिकता पाने के लिए सिर्फ आपको यहां जाकर चर्च में एक ऑफिशियल काम पाना होता है। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्या हुआ जब एक लड़की ने तेंदुए को बिल्ली का बच्चा समझ कर पाल लिया, कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जब रशिया की रहने वाली विक्टोरिया
विक्टोरिया नाम की लड़की साइबेरिया के पास एक जंगल में घूम रही थी, तो उसे जंगल में घायल तरह से पड़ी हुई एक बिल्ली मिली जो असल में एक तेंदुए की बच्ची थी। इसके बाद वो इस बेबी पैंथर को अपने घर ले गई। जब इसकी हालत ठीक हुई तो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगा और कुछ ही महीने में विक्टोरिया को ये अंदाजा हो गया कि ये असल में एक तेंदुए का बच्चा है। लेकिन ये जानने के बावजूद इन्होंने इसे छोड़ा नहीं और इसे अपने साथ ही रखा। धीरे धीरे उनकी और इस तेंदुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और आज भी ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं। नंबर एक, हमारे शरीर और जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर एक इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 4 महीने टॉयलेट में निकाल देता है। नंबर दो, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान एक साल में करीब 550 लीटर सलाइवा यानी लार बनाता है। इतने लार से कई स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। नंबर तीन, हम अपने सपने में जिन चेहरे को देखते हैं वो असल में हमने कभी न कभी अपनी जिंदगी में देखा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग खुद नए चेहरे नहीं बना सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।